नमस्कार दोस्तों, विवेक हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार, मेरे पास है यहाँ पर दो डिवाइस सैमसंग के। एक है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F12, दूसरा है सैमसंग का ही गैलेक्सी F13। और आज मैं करने वाला हूँ यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। हम देखेंगे क्या डिफरेंस यहाँ पर दोनों ही फ़ोन की स्पीड में आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर की। तो दोस्तों हार्डवेयर के लिए आ गए दोनों फोन के अबाउट सेक्शन में। सबसे पहले बात करें यूआई की, तो वन यूआई का वर्जन 3.1 है F12 में, वहीं F13 में F4। और ओएस की बात करें तो एंड्रॉयड 11 है यहाँ पर F12 में, और एंड्रॉयड 12 आपको F13 में देखने के लिए मिल जाता है। बात करें दोनों ही फ़ोन के प्रोसेसर की, वहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में नहीं है। दोनों ही फ़ोन में एक्जिनोस का 850 ऑक्टोकोर प्रोसेसर आपको दिया हुआ है, जो कि 8 नैनोमीटर पर वर्क करता है। इसकी 4 कोर हैं 2 यार्ड कॉर्टेक्स A55 की, और 4 कोर हैं अगेन 2 यार्ड कॉर्टेक्स A55 की। माली G52 आपको मिलता है यहाँ पर GPU, और दोनों ही फ़ोन में 4GB रैम आपको मिल जाती है। तो हार्डवेयर में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर यूआई में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखते हैं स्पीड पर उसका कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता। तो दोस्तों स्पीड टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड करके हैं दोनों ही फ़ोन में कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, हम प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। रैम दोनों ही फ़ोन की यहाँ पर क्लियर है, दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर एक भी एप्लीकेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ, जो कि है हमारा Temple Run 2। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में लोड किए थे जो कुछ एप्लीकेशन, यहाँ पर स्पीड में हमको कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए नहीं मिला था। अब क्योंकि दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर 4GB की रैम आपको दी हुई है, तो देखते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड पर कितने एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन में अवेलेबल हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन Temple Run 2, और चेक करते हैं तो यहाँ पर F12 के बैकग्राउंड से ये हट चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारा स्मैश हिट, और चेक कर लेते हैं तो ये भी यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F12 के बैकग्राउंड से हट चुका है, जबकि F13 के बैकग्राउंड पर अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ब्लॉक पजल, और ये दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर अवेलेबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा यहाँ पर एनिमेटेड टेक्स्ट, और ये दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन MX शेयर, और ये भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर अवेलेबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हिल क्लिम, और ये भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर अवेलेबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा यहाँ पर बबल शूटर, और ये दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन मॉडर्न सिटी, दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर ये भी बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा लूडो किंग, और ये भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। दोस्तों स्टार्टिंग दो एप्लीकेशन को हटा दें, दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड सारे एप्लीकेशन थे, दो एप्लीकेशन स्टार्टिंग यहाँ पर F12 के बैकग्राउंड पर नहीं थे, यानी कि
रैम मैनेजमेंट के मामले में F13 F12 से ज़्यादा बेहतर है। अब आप कमेंट करके बताइए आपको किस फ़ोन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी। ये था हमारा सैमसंग गैलेक्सी F12 और F13 के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।